तो स्वागत है आप सबका। आज हम स्कूल और कॉलेज में क्या फर्क होता है उस चीज पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एकदम छोटे से शुरू करते हैं। स्कूल में जब भी कोई टीचर क्लास में आता था, सारे बच्चे गुड मॉर्निंग टीचर करके खड़े हो जाते थे और एकदम दबा के रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन जब हम कॉलेज में गए, सारा का सारा चीज ही बदल गया। अब हम टीचर को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कुछ नहीं बोलते। टीचर घुसते ना घुसते ये बोला जाता है, अरे ये चूतिया फिर से आ गया क्या, 45 मिनट अब पकाएगा, इसको टीचर बनाया किसने, इससे ज्यादा होशियार तो मैं ही हूँ। वो अलग बात है, वो खुद 3 बार फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी टीचर से होशियार वो है। अब आते हैं पढ़ाई पे। जब स्कूल में हुआ करते थे, पढ़ाई तो बहुत होता था, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता था, शाम को ट्यूशन जाना होता था। ये दोनों जगह से इतना पढ़ाई कर लेते ना, पूछो मत, ऐसा लगता आइंस्टाइन से भी होशियार है। कभी कभी तो ऐसा लगता आइंस्टाइन खुद आके हमारे पैर छुके जाएगा। साला एग्जाम से पहले 3-3 बार रिविजन हो जाता था स्कूल में। लेकिन लेकिन अभी हम कॉलेज में आ चुके हैं। एग्जाम के लिए 1 महीना बचा हुआ होता है, हम सोचते हैं कि 1-1 हफ्ता देंगे, सारे सब्जेक्ट के लिए पास हो जाएंगे, क्योंकि हम है ही होशियार, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस यही सोच के वजह से हम 5 मिनट बाद पढ़ने की कोशिश करते, वो 5 मिनट का 5 दिन हो जाता है, पता ही नहीं चलता। उसके बाद आ जाते हैं कि सारे सब्जेक्ट को अभी 4 दिन देंगे। ऐसा करते करते एग्जाम के 1 दिन पहले आ जाते हैं, पूरा का पूरा पढ़ाई 1 रात पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में आंखों में नींद, पेट में गुड़गुड़ सब लेके पढ़ने बैठते हैं। लेकिन हम जैसे तैसे करके पढ़ाई खत्म कर ही लेते हैं। अब इस सिचुएशन में 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक जो नींद और गुड़गुड़ की वजह से अलग ही सब्जेक्ट पढ़ के आता है, एग्जाम में आके उसके आंखें खुलते हैं, अरे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, उसकी बात छोड़ दो। लेकिन दूसरा जो है वो 1 रात पहले भी पढ़ के पास हो जाता है, बस वही बंदा कॉलेज लाइफ में लेजेंड कहा जाता है, उसी को लेजेंड कहा जाता है। विराट कोहली, ABD Villiers, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, सबको छोड़ दो, लेजेंड बस वही है जो 1 रात पहले पढ़ के पास हो जाए। अब आते हैं बेंच पार्टनर्स पे। स्कूल लाइफ में अगर बेंच पार्टनर लड़की मिल जाए तो ऐसा लगता था किसी अछूत प्राणी के साइड में हमको बिठा दिया गया है। लेकिन अगर यही चीज कॉलेज में कर दिया जाए तो लड़कों का तो खुशी में बड़ा और खड़ा हो जाता था। आंखें आंखें तुमको क्या लगा। अब आते हैं क्रश पे। स्कूल लाइफ में तो क्रश हुआ नहीं करते थे, और अगर होते भी थे तो हम छुपा के रखते थे। ज्यादा से ज्यादा हम अपने बहुत अच्छे दोस्त को बोलेंगे, उसके अलावा और किसी को नहीं। लेकिन कॉलेज लाइफ में क्रश का तो डेफिनेशन ही बदल दिया गया है, खास करके लड़कियों में। जो स्कूल लाइफ में बहुत शरीफ हुआ करती थी, कॉलेज लाइफ में आके कुछ इस तरीके से बात करती है, हेलो हेलो, तेरा जो क्रश था उसके साथ तेरी बात आगे बढ़ी? नहीं यार, मुझे अब वो पसंद नहीं, मुझे उससे ज्यादा हैंडसम और क्यूट बंदा मिल गया, अब मेरा क्रश वो है। ओ तो अभी वो तेरा क्रश नहीं रहा? हाँ यार नहीं रहा। ओ वाव यार, कोई बात नहीं, अब वो तेरा क्रश नहीं रहा तो क्या हुआ, अब वो मेरा क्रश है, अब मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ उसके साथ मेरी बात आगे बढ़ती है या नहीं। ऐसा हो गया है सब कुछ। साला स्कूल लाइफ में एक लड़की क्रश है या नहीं वो समझते समझते एक लड़के को 20 दिन चला जाता था, लेकिन कॉलेज में आते ही हर 2-3 घंटे में क्रश बदलने लगे है, वाह। अब आते हैं फैशन पे। स्कूल लाइफ में लड़के जीन्स पहन ले और लड़कियां बाल खुला रखे, बस इतना ही फैशन हुआ करता था। लेकिन अभी हम कॉलेज में है ना, सिर्फ बाल खुले रखने से नहीं होगा, उसी चक्कर में एक लड़की को 2 घंटे पहले मैसेज करना पड़ता है कि तू रेडी होके बैठ, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। और कॉलेज में जाने के बाद लड़के भी पीछे नहीं रहते, उनको भी कम से कम 1 घंटे पहले तो बोलना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल नया फैशन निकला है फटे फटे कपड़े पहनने का, तो उसमें जब आप पैर डालोगे ना, भगवान ही जाने वो पैर नीचे पहुंचने में कितना टाइम लेगा। इसीलिए लड़कों को भी 1 घंटा देना पड़ता है सिर्फ पैर घुसाने के लिए। वाह भाई बढ़िया, पता नहीं किस दिशा में बढ़ रही है दुनिया। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप बताइए आपके लिए ज्यादा अच्छा लाइफ कौन सा था, स्कूल का या कॉलेज का? और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपना लेके फेसबुक में पहुंच चुका हूँ, तो उधर जाके आप मेरा लाइक और फॉलो कीजिए पेज, ओह कमेंटेटर नाम है उसका। और YouTube में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो थैंक यू, बाय।